वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट। अभी तक जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटन पढ़ी है उसमें आउटपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बारे में हमने यही पढ़ा था कि ये एक ऐसी मशीन्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं और उनकी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करती हैं। तो अब अगर सोचा जाए कि क्या कोई ऐसी मशीन है जो इन स्ट्रिंग्स को के लिए कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, द आंसर इज येस। ऐसी मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं जिन में आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज के लिए जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन मशीन्स को हम कहते हैं मशीन्स विद आउटपुट। दो तरह की हैं ये मशीन्स, कौन कौन सी? मूर मशीन और रिले मशीन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मूर मशीन क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स Q0, Q1, Q2 एंड सो ऑन, काफ़ी सारी हो सकती हैं। Q0 को हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। इसके अलावा नंबर 2, एन अल्फाबेट ऑफ लेटर्स जो आपके करेक्टर्स होंगे इनपुट के उनका एक सेट। नंबर 3, एन अल्फाबेट ऑफ आउटपुट करेक्टर्स फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रीम्स आर जनरेटेड। तो जो इनपुट लेटर्स हैं उनके अगेंस्ट जो आउटपुट लेटर्स आने हैं उनका सेट। नंबर 4, आर ट्रांजिशन टेबल दैट शोज फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर वेयर स्टेट इज एंटर द नेक्स्ट, विच स्टेट इज एंटर द नेक्स्ट। तो हर इनपुट करेक्टर के लिए कौन सी स्टेट में आपने मूव करना है उसके लिए एक टेबल होता है जिसको हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। नंबर 5, एन आउटपुट टेबल दैट शोज वॉट करेक्टर इज प्रिंटेड बाई ईच स्टेट एज इट इज एंटर। तो नंबर 5 पे एक ये नई किस्म का टेबल है जो कि हमने पढ़ना है। वो क्या है कि हर करेक्टर जब किसी स्टेट पे मूव होता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करते हो, तो कौन सा करेक्टर कौन सा लेटर फ्रॉम द आउटपुट सिग्मा इज प्रिंटेड। सो इसमें कोई भी फाइनल स्टेट आपको नहीं मिलती, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि मूर मशीन कोई एक्सेप्टर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। सिर्फ आपको इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट मिलती है। इनपुट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो इनिशियल स्टेट है वो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप मशीन स्टार्ट करें तो इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि मशीन बार बार टर्न ऑफ टर्न ऑन हो सकती है। इस वजह से आप जिस वक्त भी मशीन को ऑफ करेंगे और उसके बाद ऑन करेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेसिंग है वो उसी स्टेट से शुरू होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मूर मशीन की एग्जांपल है, 4 स्टेट्स हैं उसमें, Q0, Q1, Q2 और Q3। Q0 स्टार्ट स्टेट है, इनपुट सिग्मा है A, B और आउटपुट सिग्मा है 0, 1। तो इसका ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह से है। Q0 पे जब A रीड होता है तो आप Q1 पे जाते हैं और बी रीड होता है तो Q3 पे जाते हैं। इसी तरह से बाकी भी ट्रांजिशंस गिवन है और Q0 इनिशियल स्टेट है, माइनस का साइन उसके साथ मौजूद है। इसके साथ FA के ट्रांजिशन टेबल की तरह ही सब कुछ है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है वो है करेक्टर टू बी प्रिंटेड। सो मूर मशीन में जब भी कोई स्टेट विजिट होगी उसके साथ एक करेक्टर एसोसिएटेड है जो कि प्रिंट होगा।
तो डायग्राम कुछ इस किस्म की है, यानी जिस भी स्टेट पे जो लेटर प्रिंट होता है ओब्लिक के साइन के साथ वो मौजूद है। इसके अलावा वही ट्रांजिशन है जैसे हम एफए के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से क्यू जीरो से ए रीड करके आप क्यू वन पे आ रहे हैं, यही ट्रांजिशन टेबल में भी गिवन है। आप इस तरह से ये मशीन बना सकते हैं। नाउ हाउ दिस मशीन वर्क्स, इट इज टू बी नोटेड दैट स्टेट्स आर लेबल्ड अलोंग विद द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड रनिंग द स्ट्रिंग ए बी बी ए बी 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 ए। तो ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग अगर गिवन है, यानी आप सबसे पहले क्यू जीरो पे आए, क्यू जीरो पे आप आएंगे तो वन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पहला करेक्टर रीड करेंगे ए, ए को रीड करके आप क्यू वन पे जब पहुंचेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा, क्योंकि क्यू वन को विजिट करने पे जीरो प्रिंट होता है। तो आपकी आउटपुट अभी तक जो है वो है वन जीरो। नेक्स्ट करेक्टर है बी, सॉरी ये बी है, नंबर टू पे बी, क्यू वन पे बी आने पे आप क्यू वन पे ही रहते हैं, करेक्टर कौन सा प्रिंट होगा, जीरो। तो अब हमारे पास 100 आउटपुट मौजूद है। नेक्स्ट बी रीड होना है, बी रीड होने से भी हम क्यू वन पे ही रहेंगे, जीरो। तो 100 इज द आउटपुट। नेक्स्ट करेक्टर ए, वी आर ऑन क्यू वन, क्यू वन पे ए रीड करने से हम क्यू थ्री पे आएंगे, क्यू थ्री पे आने से आउटपुट क्या प्रिंट होगी, वन। सो फार आउटपुट इज 1001। नेक्स्ट इनपुट करेक्टर इज बी, वी आर ऑन क्यू थ्री, क्यू थ्री से बी रीड करके हम क्यू टू पे जाएंगे तो जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1001 जीरो। नेक्स्ट करेक्टर इज बी, क्यू टू पे बी रीड करके हम क्यू थ्री पे जा रहे हैं, इसलिए आपका करेक्टर वन प्रिंट होगा। तो आपकी आउटपुट अभी तक इतनी है। देन बी इज द नेक्स्ट लेटर, उसको रीड करके हम क्यू टू पे गए, लेटर जीरो प्रिंट हो गया। तो इतनी आउटपुट आ गई अभी तक आपकी। लास्ट करेक्टर है ए, ए को रीड किया, क्यू जीरो पे गए, वन प्रिंट हो गया और ये है आपकी आउटपुट। तो इस आउटपुट को शो करने के लिए हम इस तरह का टेबल बना लेते हैं जिसमें स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट्स गिवन है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये टेबल भी उसी तरह से वर्क कर रहा है। क्यू जीरो पे ए आने से क्यू वन पे जाए, क्यू वन पे आए तो जीरो प्रिंट हुआ, क्यू जीरो पे थे तो वन प्रिंट हो गया था, क्यू वन से बी रीड करके क्यू वन पे रहे, क्यू जीरो, क्यू वन से बी रीड करके क्यू वन पे जीरो, क्यू वन से ए रीड करके क्यू थ्री पे वन, क्यू थ्री पे बी रीड करके क्यू टू पे जीरो, क्यू टू पे बी रीड करके क्यू थ्री पे वन, क्यू थ्री पे बी रीड करके क्यू टू पे जीरो, और क्यू टू से ए रीड करके क्यू जीरो पे और वन आउटपुट होगी। Length of output string is one more than that of input string, as the initial state prints out the extra character one before the input string is read. So, आपके पास जो input string है उसके मुकाबले में output string में एक character extra मौजूद है, क्योंकि जब आप first state को visit करते हैं तो आपका पहला character तब ही print हो जाता है। तो ये थी मूर मशीन जो के है मशीन विद आउटपुट।